हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन। इसके लिए लिया है हमने गोभी, शिमला मिर्ची, गाजर, चुकंदर, एक प्याज, दो तीन लहसुन की कलियां, और ये मक्की का आटा और मैदा। सबसे पहले हम गोभी को थोड़ा बॉयल पानी में 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें अपनी गोभी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें चुटकी भर सॉल्ट डालूंगी, नमक, अब मैं इसे मिक्स करूंगी और इसे 2 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। एक मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। ये भी एक मिनट और पकेंगे। अब हमारी गोभी हो चुकी है, अब हम गोभी को ठंडे पानी में धो लेते हैं। हमने गोभी को ठंडे पानी से धो दिया है, अब हम इसका बैटर बनाते हैं। हमने 3 चम्मच मैदा लिया है, 2 चम्मच मक्की का आटा, 1/2 चम्मच मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, छोटी चम्मच काली मिर्च। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे पानी डाल के मिक्स करेंगे, इसका गाढ़ा बैटर बना लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना बने। अगर आपने एक बार में पानी डाल दिया तो लम्स बन जाएंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गोभी डाल के मिक्स कर लेते हैं। हमारी गोभी तैयार है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं गोभी को एक एक करके डालूंगी और फ्राई करूंगी। इसे धीमे आंच पे पकाना है, लगभग 3 मिनट तक। जब तक कि हमारे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इसे पकाएंगे, फ्राई करेंगे। इसी तरह मैं अपनी सारी गोभी को फ्राई कर दूंगी। देखिए, मेरे गोभी रेडी हो चुके हैं और ये क्रिस्पी बने हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम कर देते हैं। 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, प्याज, शिमला मिर्ची, गाजर। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अपना चुकंदर डालेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें चुकंदर डालेंगे और 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। अब हम इसमें केचप डालेंगे, 2 चम्मच टमाटो का, 1 चम्मच सोया सॉस। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें नमक डाल दूँ। हम नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें बॉयल में भी नमक लिया था जब हमने बॉयल किया था गोभी को, और मिर्ची। सॉरी, 30 सेकंड के लिए। हमने 1 चम्मच मैदे का घोल बनाया था, अब हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की आंच तेज कर दी है,
अब हम इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा पकाएंगे। अब हम इसमें अपनी गोभी मिक्स करेंगे। हम इसे मिक्स करेंगे 30 सेकंड के लिए, बस इसे मिक्स करना है और निकालना है, क्लीनिंग करना है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, मिक्स हो गया है, अभी रेडी हो गया है। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। हमारी डिश रेडी हुई है, अब हम इसमें गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन से। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है। अगर आपको ये हमारी गोभी मंचूरियन की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।